संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। ऐसा संदेश देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि युवा देश का भविष्य होते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आकाश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हर साल 12 जनवरी को ही क्यों युवा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस थे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए हर वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1985 को विश्व युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 12 जनवरी 1985 को भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन देश विदेश के अनेक विद्यालयों में, संस्थानों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगासन, तरह तरह के अन्य कार्यक्रम इस दिन किए जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। बचपन में विवेकानंद जी की मां ने उनका नाम बीरेश्वर रखा, जिन्हें प्यार से बिली कहकर बुलाया जाता था। बाद में उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। उनकी माँ और बहन को भोजन के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। स्वामी विवेकानंद जी कम से कम 2-2 दिन भूखे रहते थे, ताकि उनके अन्य परिवार के लोगों का, अन्य सदस्यों का पेट भर सके। इस वजह से स्वामी जी 2-2 दिन तक भूखे रहते थे। बीए की डिग्री होने के बावजूद स्वामी जी को बहुत समय तक नौकरी के लिए भटकना पड़ा, जिससे उनका भगवान से विश्वास उठ गया था और वो नास्तिक हो गए थे। स्वामी विवेकानंद जी में इतनी सादगी थी कि उन्होंने सन 1896 में लंदन में कचौड़ियां भी बनाई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि वो 40 वर्ष की उम्र तक नहीं जी पाएंगे। उनकी यह भविष्यवाणी सच हुई और उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को अपना प्राण त्याग दिए। वह केवल 39 वर्ष के ही थे। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर आपको पूरा भारत जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। आज 12 जनवरी यानी युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। एक बार स्वामी जी विदेश गए। उन्होंने वह केवल अपने तन पर भगवा रंग के कपड़े और एक पगड़ी पहने हुए थे। तो वहां के लोगों ने पूछा कि आपका सामान किधर है। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि सामान तो बस यही है। वहां के लोगों ने कहा, अरे ये कैसी संस्कृति है कि आपके पास केवल भगवा कपड़े और सर पे पगड़ी बस है, इतना सामान कैसे हो सकता है। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि आपके यहाँ की संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं और हमारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। तो कपड़ों से नहीं, इंसान की पहचान चरित्र से होती है। ऐसी सादगी थी स्वामी विवेकानंद जी में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।